हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूँ प्रशांत धवन। रिसेंटली इंडिया ने वार्निंग दी है कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी को कि इंडिया 2022 की गेम्स को बॉयकॉट कर देगा, पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात है कि इंडिया जैसा इंपॉर्टेंट कंट्रीज कॉमनवेल्थ गेम्स को बॉयकॉट करने की धमकी दे, और लग रहा है कि ऐसा हो भी जाएगा। डिस्कस करेंगे, इशू है क्या, क्या ये रिजॉल्व हो सकता है, बाकी कंट्रीज़ का यहाँ पर रुख क्या होगा। सो विदाउट डाउट अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, आप यूपीएससी 2020 की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं विद आर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com पे जाके, या फिर आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। नाउ यूपीएससी परस्पेक्टिव से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरली फ्रॉम प्रीलिम्स परस्पेक्टिव। आप अगर यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो काफ़ी बार कॉमनवेल्थ से रिलेटेड सवाल आ चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में ये बहुत ही अच्छा सवाल आया था। आपको पता होगा कि कॉमनवेल्थ 2010 के जो गेम्स थे वो हुए थे दिल्ली में, ऑलराइट। आपको अगर याद हो इस पर काफ़ी करप्शन के चार्जेस भी लगे थे और काफ़ी स्कैंडल्स भी हुए थे। उस सब को आप अगर छोड़े तो ओवरऑल काफ़ी सक्सेसफुली ये गेम्स कंडक्ट करी गई थी। अब उस टाइम यूपीएससी ने ये क्वेश्चन निकाला था कि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी के एस्पेक्ट में जो फॉरेन नेशनल्स दुनिया भर से इंडिया आए थे कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान, इससे इंडिया में कॉन्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ, एक्सपोर्ट के हिसाब से, इम्पोर्ट के हिसाब से, प्रोडक्शन या फिर कंजम्पशन। बहुत से लोग वहाँ पे कंजम्पशन लिख के आ गए थे, मगर ये गलत आंसर होगा। सही आंसर है एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट कैसे, देखिए आप अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आपने अगर कभी पढ़ा हो तो वहाँ पर इनविजिबल जो एक्सपोर्ट होते हैं उसकी कैटेगरी में वो इनटेंजिबल आइटम्स आती हैं जिससे कंट्री अर्न करता है। इसमें आता है बैंकिंग, इंश्योरेंस, मूवीज, ई बुक भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर, टूरिज्म। मान लीजिए एक अमेरिकन आदमी थाईलैंड जाता है और वहाँ पर छुट्टियाँ मनाता है, तो आप कहेंगे कि ये थाईलैंड का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वहाँ पे एज एन एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सिमिलरली जब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे तो फॉरेन नेशनल जब इंडिया में आए थे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में अंडर एक्सपोर्ट इंडिया में कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ था। नाउ सबसे बेसिक क्वेश्चन सामने आता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स बेसिकली है क्या और यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स एक बहुत ही बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है, मल्टी नेशन स्पोर्टिंग इवेंट होता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में, और ये जो सारी कंट्रीज़ आपको वर्ल्ड मैप पे दिख रही है जो मैंने मार्क कर रखी है, यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, उसके अलावा यूके, वेरियस कंट्रीज़ यहाँ पर आपको देखेंगी, ये सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं कॉमनवेल्थ गेम्स पे। बेसिकली जो भी कंट्रीज़ ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थी या फिर आज के टाइम में कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट है या फिर उससे एसोसिएटेड हैं, वो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पार्टिसिपेट करती हैं। नाउ कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल के इंटरवल में होते हैं, ओलंपिक्स की तरह ही। ओलंपिक्स भी हर 4 साल बाद होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स भी हर 4 साल बाद होते हैं, और इनको काफ़ी बार मिनी कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है इनफॉर्मली, क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। नाउ कॉमनवेल्थ लास्ट टाइम हुए थे ऑस्ट्रेलिया में 2018 में। अब जो अगले कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2022 में, ये होंगे ग्रेट ब्रिटेन में, बर्मिंगहम में। तो 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये यहाँ पे होंगे। देखो ये है यूके और यहाँ पे आपको दिखेगा बर्मिंगहम, ऑलराइट, लंदन के यहाँ पे पास है। और 2022 के गेम शुरू से ही काफ़ी हद तक कॉन्ट्रोवर्सी में थे। क्यों? क्योंकि इनिशियली साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर बिड दी थी कि वो इसको होस्ट करना चाहते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिड थी। कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका को सपोर्ट किया और इनिशियली लग रहा था कि साउथ अफ्रीका 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगा, मगर बाद में साउथ अफ्रीका की सरकार ने यह कहा कि बजट की कंस्ट्रेंट्स की वजह से, बजट में कमी की वजह से वो इस इवेंट को होस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर बाद में ये इवेंट होस्ट करने की जिम्मेदारी दी गई बर्मिंगहम को। नाउ एक कॉन्ट्रोवर्सी ख़त्म हो गई थी, अब दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि अब इंडिया बॉयकॉट कर देगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 को। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि इंडिया काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शूटिंग और आर्चरी बिल्कुल भी नहीं होंगे। मतलब कि जो हमारे शूटर्स हैं, जो हमारी आर्चरी में पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको मेडल जीतने का मौका नहीं मिलेगा। उसकी वजह से ओवरऑल इंडिया की मेडल टैली में काफ़ी कमी आ सकती है, और इंडिया मानता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट है टूवर्ड्स आर एथलीट्स। दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को यहाँ पर हटा देना, इस वजह से इंडिया ने ऑफिशियली कहा है कि हम 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स से पुल आउट कर लेंगे अनलेस इन दोनों इवेंट्स को वापस रीइंस्टेट नहीं किया जाता। अब ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो इंडिया काफ़ी रेवेन्यू प्रोवाइड करता है कॉमनवेल्थ गेम्स को,
कि कोई भी बड़ा इवेंट हो जहाँ पे इंडिया की आपको व्यूअरशिप मिलती है, तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स, बहुत सारा पैसा इंडिया की तरफ से आता है उस इवेंट की तरफ। और मोर इम्पॉर्टेंटली, कॉमनवेल्थ नेशंस में आप अगर देखो तो सबसे पॉपुलस कंट्री आज के टाइम में इंडिया ही है, और सबसे बड़ी इकोनॉमी भी आज के टाइम में इंडिया ही है। तो जब इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता जी ने यह स्टेटमेंट दी कि यस वी मतलब इंडिया, वी आर प्रिटी सीरियस अबाउट इट, मतलब कि थ्रेट टू बॉयकॉट द गेम्स, हम बिल्कुल सोच रहे हैं कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स को हम बॉयकॉट कर देंगे। इंडिया बेसिकली काफ़ी सफ़र करेगा इस डिसीजन से कि शूटिंग को यहाँ पर एज ए इवेंट इंक्लूड नहीं किया गया है। ये इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, इसकी काफ़ी रिच हिस्ट्री है, लेगेसी है। और आगे ये भी लिखते हैं कि हालांकि ये जानते हैं कि कमेटी ने डिसीजन ले लिया है, मगर इसको रेटिफाई करना अभी बाकी है, मतलब कि सारे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं कॉमनवेल्थ में वो इस पर भी वोटिंग करेंगे। उसमें से लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर कंट्रीज़ यहाँ पर येस वोट करके ये जो इवेंट की लिस्ट अभी तैयार करी गई है उसको ओके कर देंगे और कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो मोस्ट प्रॉब्ली आर्चरी और शूटिंग के बिना ही 2022 का इवेंट होने वाला है। और इससे क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या इंडिया जेन्युइनली अपनी स्टेटमेंट पे खड़ा रहेगा और कॉमनवेल्थ गेम्स से बॉयकॉट कर लेगा। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि आर्चरी और शूटिंग को कॉमनवेल्थ 2022 से हटाया क्यों गया है। देखिए, पहली बात तो अगर हम आर्चरी को देखें तो आर्चरी काफ़ी बार कॉमनवेल्थ के इवेंट्स में होता नहीं है। आर्चरी अब तक बस दो बार ही कॉमनवेल्थ के इतिहास में एज एन इवेंट शामिल हो चुका है। लास्ट टाइम आर्चरी को इंक्लूड किया गया था 2010 में, जब इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए थे। उसके बाद से 2014 के इवेंट में आर्चरी शामिल नहीं था और 2018 के इवेंट में भी आर्चरी शामिल नहीं था। शूटिंग ऑन दी अदर एंड आप अगर देखोगे तो हमेशा से कॉमनवेल्थ गेम्स का वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है, और 2018 में भी शूटिंग एज एन इवेंट ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ गेम्स में था और इंडिया ने वहाँ पर गोल्ड मेडल भी जीते थे। बर्मिंगहम को ये लोग शूटिंग में शामिल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनके पास फैसिलिटीज़ है, वो इतनी बढ़िया नहीं है, जो अपने आप में एक प्रॉपर एक्सक्यूज़ है नहीं। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कॉमनवेल्थ की कमेटी ने किस तरीके से निर्णय लिया है इस पर प्रॉपर पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया प्रॉपर। बस यही कहा है कि बर्मिंगहम में कुछ वहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी थी और हम चाहते हैं कि कुछ नए इवेंट्स यहाँ पे शामिल हो, फॉर एग्जांपल विमेंस क्रिकेट T20 और उसके अलावा पैरा टेबल टेनिस, बीच वॉलीबॉल, इस सब पे उनका फोकस होगा, तो वो शूटिंग को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। नाउ ऑब्वियसली ये बात इंडिया के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आप अगर 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेरिट टैली देखें तो वहाँ पर शूटिंग का काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। इंडिया ने 2018 में जो ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे टोटल 66 मेडल जीते थे, इसमें 26 गोल्ड थे। नाउ इसमें से आप अगर देखोगे तो शूटिंग से ही 7 गोल्ड आ गए थे, 7 गोल्ड और टोटल 16 मेडल्स ब्रॉन्ज और सिल्वर को मिला के। तो आप अगर शूटिंग के मेडल हटा दीजिए तो इंडिया के टोटल मेडल यहाँ पे 50 के आसपास बन जाएंगे और इंडिया यहाँ पर कनाडा के नीचे गिर सकता है इन टर्म्स ऑफ मेडल। ना सिर्फ कनाडा, हो सकता है कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के आसपास भी आ जाए, 6th या 7th स्पॉट पे गिर सकता है इंडिया इन मेडल टैली। तो इसलिए इंडिया यहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहा है। ऑफकोर्स इंडिया के जो आसपास के कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो यहाँ पे बॉयकॉट का कोई थ्रेट नहीं दे रहे क्योंकि उनको कोई फ़र्क इससे पड़ता नहीं है। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के टोटल 5 मेडल आए थे, बांग्लादेश के 2 मेडल आए थे, तो उनको शूटिंग या फिर आर्चरी से कुछ इतना इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, उनका किसी रैंडम इवेंट में कोई मेडल आ जाता है। मगर इंडिया के लिए काफ़ी हद तक मैटर करता है और हमारे एथलीट्स के लिए भी मैटर करता है जिन्होंने कई साल प्रेपरेशन करी है फॉर दीज वेरी इंपॉर्टेंट गेम्स। एक एथलीट के लिए प्राइमरली 3 इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, फिर उस स्पोर्ट का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट होता है वो। नाउ एक लार्जर क्वेश्चन ये आता है कि अगर इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स से पुल आउट करता है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। ऑब्वियसली इंडिया का जो प्रभाव है कॉमनवेल्थ नेशंस के ग्रुप में वो उससे कुछ हद तक डिक्रीज होगा। मैं ये नहीं मानता बहुत बड़ा प्रभाव मिलेगा इससे, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, मगर डेफिनेटली इंडिया का जो क्लाउट है, जो ग्रोइंग क्लाउट है, उस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा ही। उसके अलावा ठीक है, आप अगर शूटिंग के अलावा बाकी इवेंट्स देखो, हमने शूटिंग में ठीक है लास्ट टाइम 16 मेडल जीते थे, उसके अलावा फिर रेसलिंग है, वेट लिफ्टिंग है, बॉक्सिंग है, टेबल टेनिस है, यहाँ पर भी हमने बहुत सारे मेडल जीते थे, बहुत सारे हमारे जो एथलीट्स हैं उन्होंने यहाँ पर भी पार्टिसिपेट किया था। तो अगर हम शूटिंग की वजह से पूरे इवेंट को बॉयकॉट करते हैं तो बाकी जो एथलीट्स हैं जिन्होंने इन सब इवेंट्स के लिए प्रिपरेशन करी है
उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं होगी, तो ये सब हमको सोचना होगा। फॉर द टाइम बिंग लग रहा है कि शूटिंग को ऑलमोस्ट ये बाहर कर ही देंगे, डिसीजन रिवर्स करना मुश्किल लग रहा है। और इंडिया अगर अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहता है तो ये एक बहुत ही बड़ा मूव होगा इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट। नाउ इस इशू के बारे में आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया को यहाँ पे बॉयकॉट करना चाहिए या वी शुड पार्टिसिपेट इन कॉमनवेल्थ गेम्स, ये आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।